आज हिंगनघाट शहर में ओबीसी विजय एनटी एसबीसी बांधों ने शहर की हरिओम सभागृह से बाइक रैली का आयोजन किया था। ओबीसी आरक्षण को ध्यान में रखते हुए मराठा आरक्षण सरकार द्वारा दिया जाए, इस मांग के लिए आज शहर में भव्य रैली का आयोजन किया गया था। हिंगनघाट शहर में आज हरिओम सभागृह से ओबीसी समुदाय में आने वाले विभिन्न संगठनों ने आज ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया था। राज्य सरकार द्वारा मराठा आरक्षण को लागू करने के लिए पहल की जा रही है, इसके रहते हुए ओबीसी आरक्षण को ध्यान में रखते हुए मराठा को आरक्षण दिया जाए। सरकार द्वारा ओबीसी को कुछ भी धक्का नहीं लगाते हुए मराठा को आरक्षण देना चाहिए, न कि ओबीसी की हिस्सेदारी में आने वाले आरक्षण को दिए जाए, इसलिए शहर में प्रमुख मार्ग से बाइक रैली का आयोजन किया गया था। इस वक्त माजी विधायक राजू तिवांडे, माजी नगराध्यक्ष पंडरी काम से, माजी पार्षद सतीश धोपे, माजी पार्षद अनिल भूंगाड़े, इनके साथ ओबीसी समुदाय के अनेक नेता और नागरिकों ने इसमें सहभाग लिया। प्रचंड संख्येने सहभागी व्हावे अशी ओबीसी संघर्ष समिती हिंगणघाट तर्फे विनंती करण्यात येत आहे। हक्क पूर्ण दिला पाहिजे, मराठ्याला आरक्षण देताना ओबीसीला कुठलाही धक्का नाही बसला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे। ओबीसी मध्ये जर जे जे कुणबी समाज, तेली समाज, माळी समाज, धनगर समाज येत असाल त्यांना ओबीसी मध्ये घेण्यात द्यावं। मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आमची काही हरकत नाही आहे, ते सरकारने वेगळं द्यावं, पण ओबीसीचा हक्क राहूनच आमचा अधिकार आम्हाला दिला द्यावा। 2011 जनगणनेनुसार इम्पिरियल डाटा केंद्र सरकारकडे तयार आहे, त्या इम्पिरियल डाटाच्या भरोशावर जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे। इन्व्हेस्टर न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येणुरकर की रिपोर्ट।